वेलकम इन नेक्स्ट आई न्यूज। मैं हूं आपके होस्ट नैन्सी और आप सभी का मैं स्वागत करती हूं आज स्पेशल प्रोग्राम में। ये प्रोग्राम के नाम की तरह ही प्रोग्राम भी काफी ज्यादा स्पेशल है। जी हाँ, आपको बता दें कि प्रोग्राम स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये प्रोग्राम है आप सभी के भाईजान टाइगर सुल्तान दबंग सलमान खान पर। जी हाँ, बॉलीवुड के सुल्तान यानी कि सलमान खान जो अक्सर ही खबरों का कारण बने रहते हैं। सलमान खान के चाहने वालों का आलम तो आप इसी तरह लगा सकते हैं कि जहां पर 27 दिसंबर को उनका जन्मदिन था तो हजारों की तादाद में उनके घर के बाहर खड़े फैंस को देखा गया, जहां पर 27 दिसंबर की रात को ही यानी कि जब 27 दिसंबर का दिन शुरू हुआ 26 की रात 12 बजे ही सलमान का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम अंदाज से सेलिब्रेट किया गया उनके फार्म हाउस में, जहां पर बेहद ही करीबी दोस्तों को देखा गया, रिश्तेदारों को देखा गया, तो वहीं यहां पर दिखाई दी कैटरीना कैफ भी और यूलिया भी। हाल ही में खबर आ रही है कि सलमान के जन्मदिन पर यूलिया ने उन्हें बेशकीमती तोहफा दिया है और यकीनन आप यहां पर यूलिया के तोहफे को सुनते ही हैरान हो जाएंगे कि आखिरकार जो उनकी करंट गर्लफ्रेंड बताई जाती है यूलिया, उन्होंने कितना नायाब तोहफा दिया। हालांकि अगर कैटरीना की बात की जाए, जहां पर फैंस चाहते हैं कहीं ना कहीं सलमान की भी खास बॉन्डिंग कैटरीना से देखी गई है, तो कैटरीना ने क्या तोहफा दिया है अब तक वो सामने नहीं आया है। तोहफा उनका पार्टी में आना ही था। वहीं अगर यूलिया के तोहफे की बात की जाए तो आप देखिए हमारे इस खास प्रोग्राम में, जहां पर आपको पता चलेगा कि किस तरह से यूलिया ने कितना नायाब तोहफा दिया। तो खुद उन्होंने मीडिया के सामने आकर, सलमान खान ने मीडिया के सामने आकर केक भी काटा था और तमाम बातों का जिक्र भी किया। क्या कुछ रहा था जन्मदिन के खास मौके पर आप देखिए हमारे इस खास प्रोग्राम में। बॉलीवुड के सुल्तान यानी कि सलमान खान जो अक्सर ही खबरों का कारण बने रहते हैं, भाई जान का हाल ही में जन्मदिन बीता है, जहां पर बॉलीवुड के तमाम खास सितारों को उनके जन्मदिन की पार्टी में शिरकत लेते देखा गया। भाई यहां पर एक छत के नीचे प्रेजेंट और पास्ट दोनों ही गर्लफ्रेंड्स का आमना सामना भी हुआ, जहां पर हम बात कर रहे हैं यूलिया वंतुर और कैटरीना कैफ को लेकर। दरअसल देखा गया है कि यहाँ पर कैटरीना भी दिखाई दी तो वहीं पार्टी में यूलिया वंतुर को देखा गया। अगर यूलिया की बात की जाए तो ये तो हर कोई जानता है कि यूलिया और सलमान खान एक दूसरे को इन दिनों डेट कर रहे हैं। जी हाँ, अब इसी डेटिंग पर लग रहा है कि यूलिया ने मोहर लगा दी है। जहां पर जन्मदिन का खास मौका था तो देखा जा रहा है और कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर कि जन्मदिन के खास मौके पर यूलिया ने सलमान को बड़ा ही खास तोहफा दिया है। जी हाँ, अब आपको बता दें कि अभी तक कैटरीना के तोहफे का खुलासा नहीं हुआ है। दरअसल कैटरीना का तोहफा तो वही पार्टी में आना ही उनका काफी बड़ा तोहफा सलमान के लिए रहा, मगर अगर यूलिया के तोहफे की बात की जाए तो आपको बता दें कहा जा रहा है कि यूलिया ने सलमान को एक गोल्ड क्रूसिफिक्स पेंडेंट दिया है। जी हाँ, ये खास पेंडेंट जो है वो रोमानिया स्टाइल में बना हुआ है, जहां पर सलमान ने अपने इस पार्टी में यूलिया के सामने खुद बताया कि ये पेंडेंट उन्होंने गिफ्ट दिया है। कहीं ना कहीं भाई, रिश्ता कितना भी छुपा लो, प्यार कितना भी छुपा लो, वो कभी नहीं छुपता। ऐसे में जहां पर दोनों की डेटिंग का सिलसिला काफी लंबे अरसे से सामने आ रहा है, दोनों डेट कर रहे हैं, खान परिवार में हर एक पार्टी में यूलिया वंतुर को देखा जाता है, तो ऐसे में जन्मदिन के खास मौके पर सलमान को ये खास तोहफा देना, अपने रिश्ते पर मोहर भी उन्होंने लगा दी है। हालांकि फैंस चाहते हैं कि सलमान और कैटरीना की शादी हो, सलमान कैटरीना के साथ दिखाई दे। आपको बता दें कि सलमान खान को भले ही कैटरीना से अटैचमेंट हो, मगर वो डेट यूलिया को ही कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी डेटिंग का जो सिलसिला है वो इसलिए भी है क्योंकि कैटरीना ने सलमान को एक बार ही धोखा दिया था, ये हर कोई जानता है। और जहां पर धोखे के बाद एक बार इंसान वो खा लेता है तो भाई वो अपने जीवन में अब आगे बढ़ता है, दोबारा वो गलती नहीं करता। जो देखा जा रहा है कि जहां पर कैटरीना भी रणबीर कपूर को डेट कर रही थी तो सलमान खान भी यूलिया वंतुर को अब भी डेट कर रहे हैं। ऐसे में जहां पर डेटिंग का सिलसिला चल रहा है तो कहीं ना कहीं तोहफे ने तो भाई अब रिश्ते पर मोहर लगा दी। अब आप देखिए किस तरह से जन्मदिन के खास मौके पर सलमान
खान ने मीडिया के साथ मिलके केक को काटा और तमाम चीजों का जिक्र भी किया। और क्या कुछ खास रहा था उनकी बर्थडे पार्टी में, आप देखिए हमारे इस वीडियो में। बस ये इसी बात की खुशी है, इस बात वो स्टारडम वगैरह तो इट मैटर्स इन वन वे के यू नो काम चल रहा है, बट ये जो इतनी इज्जत और इतना प्यार जो लोगों से मिलता है उस बात की खुशी, उस बात की खुशी के लोगों को भरोसा है मुझ पर, और भरोसे से ज़्यादा कुछ नहीं है। मतलब छोटे से बच्चा हो या बड़े, सब लोग रेंज देखो आदमी का, रेंज रेंज देखो आदमी का, जब से 50 प्लस हो गया हूँ मैं तो एक एक और फैन फॉलोइंग ऐड हो गई है विमेंस की, हुआ 60 प्लस 70 प्लस। सर मैं आप हमेशा कहते हैं कि मैं दूर भागता हूँ, मैं फार्म हाउस में जाकर के बर्थडे सेलिब्रेट करता हूँ, लेकिन कोई छोड़ता है नहीं, चाहे आपके फ्रेंड्स हो। नहीं एक तो फ्लॉप हो जाएगी तो घर पे रहूंगा, ज्यादा कष्ट नहीं दूंगा। बस यही हमारा बस फैमिली है, और बस जितने भी दोस्त यार हैं फैमिली हैं उन्हीं को साथ लेके चलते हैं और उन्हीं के साथ रहेंगे। जो हमारे फैंस हैं उनके लिए अच्छा काम करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, छोड़ेंगे नहीं हम सब के सब। रेजोल्यूशन मेरी मदर ने मुझसे 4 दिन पहले कहा कि अब ये 4-pack वगैरह 4-pack नहीं चलेगा। जैसे तो क्या बनाया आपने इस साल का रेजोल्यूशन, तो हाउ मी एंड माय मदर टॉक नाउ व्हाट क्या रेजोल्यूशन है, ऐसे क्या रेजोल्यूशन है, इसे कुछ मत छोड़ो, हाँ सिर्फ मुझे एक चीज़ करो कि मुझे 6-pack ला के दिखा दो। अब इसका मतलब कि डिसिप्लिन में तो आना ही पड़ेगा बहुत सारा, तो वही कर रहे हैं। अब पिछले ये 4 दिन पहले का कॉन्वर्सेशन है, और सुबह जिम जाता हूँ, शाम को जिम जाता हूँ, भागता हूँ 1-2 घंटे, और खाने के ऊपर बहुत फुल कंट्रोल कर लिया। तो माँ ने कहा है कि 6-pack ला के दिखा दो मुझे, जो कि तुम्हारे लिए सिंपल होगा जो कि है तो वो अब ला के दिखाना पड़ेगा उनको इस साल के एंड में, मतलब कि कुछ ही दिन बचे हैं 31 दिसंबर के लिए, तो माँ को एक भेंट करेंगे 6-pack नए साल ट्वीट करेंगे। तो क्या 6 साल लगा लेंगे इसके ऊपर, इसके लिए सब 1-2 हफ्ता ही लगता है, और क्या नए साल में कुछ नई चीज चाहते हैं या मन में कोई इच्छा है आपके लिए? बस जैसा चल रहा है वैसे ही चलते रहे, और बीइंग ह्यूमन के लिए कुछ करना चाहेंगे? अरे बीइंग ह्यूमन हम कंगाल हो गए आज, वो 50% का डिस्काउंट दिया था पूरी दुकान खाली हो गई। आज आपने बीइंग ह्यूमन नहीं पहना है? पहना है हमेशा एक चीज बीइंग ह्यूमन की पहनता हूँ मैं। आज कौन सी देखो जी हाँ, तो प्रणुतन जहीर सूरज जी सब यहीं पर हैं। अब मुनीश भाई मेरे बचपन के दोस्त हैं, मेरे हीरो हैं, अब एक ऐसा एक मौका मिला है मुझे कि अब उनकी बच्ची को लॉन्च कर रहे हैं। और जहीर के फादर मेरे बचपन के दोस्त हैं, और उन्हें मुझे कुछ 2011 रुपए लोन किए थे, और फिर वो कुछ 11,000 में हो गए, तो उसका कीमत तो कभी ना कभी तो अदा करना पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ। तो ये लास्टली भारत की शूटिंग अब शायद लास्ट लेग है, अगले जी हाँ, हमें ऐसा लगा था कि लास्ट लेग है, हाँ पर ऐसा नहीं। लेकिन लास्ट नहीं है, फर्स्ट भी नहीं है, काफी सारे लेग है, कुछ 30 दिन की शूटिंग बाकी है। दिल्ली बकायदा मुंबई वो सब, हाँ अब वो सब हो गया, अब शूटिंग होगी फिल्म सिटी में।
थैंक यू सो मच. आप जाएं. सब ठीक हो आप लोग? ठंड लग रही है आप लोगों को? बहुत ज़्यादा. ठंड क्या? सोल इन द माइंड. यकीनन आप भी हैरान हो गए होंगे इस नायाब तोहफे को सुन के. जी हाँ, स्पेशल प्रोग्राम का नाम था और प्रोग्राम भी यकीनन काफी स्पेशल लगा होगा आप सभी को. यहाँ पर आपने देखा कि जिस नायाब तोहफे की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं वो नायाब तोहफा कोई गोल्ड की चीज बताई जा रही है जो यूलिया ने सलमान खान को जन्मदिन पर दी है. कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि भले ही फैंस कितना भी क्यों ना कुछ कह ले कि सलमान और कैटरीना को एक होना चाहिए, मगर जिस तरह से सलमान खान का अब जो झुकाव है वो उनकी करंट गर्लफ्रेंड यूलिया के साथ देखा जाता है. हर वक्त हर फैमिली फंक्शन में यूलिया उनके साथ मौजूद होती है, तो कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि अब कैटरीना से वो आगे बढ़ चुकी है. महज कैटरीना एक अच्छी दोस्त रह चुकी है, मगर यूलिया से अब उनको काफी अटैचमेंट भी है. और अगर यूलिया की बात की जाए तो यूलिया ने जिस तरह से तोहफे को देकर ये साबित कर दिया है कि कहीं ना कहीं आज भी वो उनसे प्यार करती है, मोहब्बत करती है, बस इंतजार कर रही है तो शादी का. फिलहाल देखना होगा, ये इंतजार फैंस को भी है कि कब होगी दबंग की शादी, कब खान परिवार में शहनाई बजेगी और सेहरा सजेगा सलमान खान के सर पे. थोड़ा इंतजार यकीनन हमें भी लगता है अभी करना पड़ेगा. तब तक के लिए इस प्रोग्राम में बस इतना ही, पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. बाय बाय.